पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कमिश्नर मुरादाबाद को कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया। कमिश्नर मुरादाबाद को नई जिम्मेदारी मिलते ही जनता के साथ कोरोना की आड़ में खिलवाड़ कर रहे अस्पताल माफियाओं पर लगाम कसने भी शुरू कर दी। लेकिन अभी तक जनपद में धड़ल्ले से बिना लाइसेंस के अस्पताल संचालित हैं, जो लगातार जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और इलाज के बदले मोटी रकम वसूल रहे हैं। अभी तक जिस कोरोना का सही इलाज वैज्ञानिकों के पास भी नहीं आया है, वहां पर BUMS डिग्री धारक डॉक्टर अस्पताल संचालित कर मरीजों का एलोपैथिक दवाइयों से इलाज कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर मुरादाबाद के ही बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल संचालित करने के मामले उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अस्पताल चलाने का एक बड़ा खेल है, जहां पर किराए की बिल्डिंग लेकर उसे अस्पताल का रूप दिया जाता है और फिर शुरू होता है मरीजों का इलाज करने का बड़ा खेल। जानकारी के मुताबिक पहले तो किसी MBBS डॉक्टर की डिग्री लगाकर स्वास्थ्य विभाग में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है और ऑन कॉल डॉक्टर दिखाकर BUMS डॉक्टरों के द्वारा ही कोविड जैसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। गत दिनों प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए अस्पतालों को सीज किया गया था और जानकारी करने पर वो अस्पताल बिल्कुल ही फर्जी पाए गए थे। अभी भी कमिश्नर मुरादाबाद और स्वास्थ्य विभाग को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्ती से पेश आने की जरूरत है, तभी इस मकरजाल का पर्दाफाश हो सकेगा। COVID-19 को लेकर आपके यहाँ क्या सावधानी बरती जा रही है? खांसी बुखार के मरीज भी हम 4 फुट की दूरी से पेशेंट को अपने बाहर से बाहर दवाई दी और अपने पेशेंट को घर दिया। देखा था कि मतलब कोई भी मरीज पड़े हुए ना सर, वो तो वैसे पेशेंट बुखार के है, तो सांस पास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिग्री है आपके पास? नई डॉक्टर है, तो क्या एक नई डॉक्टर क्या एलोपैथिक का इलाज कर सकता है? कहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन? लखनऊ से सियाम दफ्तर में नहीं कराया? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।